जहानिया रेलवे स्टेशन में बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान, मुसाफरों के लिए ना ही साफ पानी दस्तयाब है और बैठने के लिए बेंच भी टूट फूट का शिकार हैं। रेलवे स्टेशन की गर्मी सर्दी के लिए ना छत बनाई गई और फर्श भी टूट फूट का शिकार हैं। बाथरूम में गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। जहानिया रेलवे स्टेशन में 3 पैसेंजर ट्रेनों से रोजाना लाखों का रेवेन्यू इकट्ठा होता है, मगर सहूलियात सिफर है। इंतजार गाहों पर ताले लगे रहते हैं। मुसाफिर शदीद सर्दी में इंतजार करने पर मजबूर है। स्टेशन पर ना ही पुलिस सिक्योरिटी का इंतजाम है और ना ही रात के वक्त लाइट का कोई बंदोबस्त किया गया। जाफराबाद में हिंदू जनरल पंचायत और आल बलोचिस्तान मिनोरिटी राइट्स मूवमेंट के जरिए तमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली निकाली गई। रैली की क्यादत अकलियती रहनुमा एडवोकेट उमेश कुमार शमनानी ने की। रैली के शुरका डेरा अलायार के टी चौक पर पहुंच गए, जहां पर मुकर्ररीन ने खिताब किया। इससे कबल मीडिया से बातचीत करते हुए उमेश कुमार और दीगर हिंदू रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान हम सबके बुजुर्गों की कुर्बानियों से आज़ाद हुआ है। इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए हिंदू कम्युनिटी अपने पाक फौज के साथ हैं और पाक फौज के हर हुक्म पर लब्बैक कहा जाएगा। हम पाक फौज की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत और सुर्ख सलाम पेश करते हैं। पंजाब भर में 14 जनवरी को सिविल एंड सेशन कोर्ट्स के सालाना इलेक्शन हो रहे हैं। इसी तरह बार एसोसिएशन मंचनाबाद के सालाना इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। हर वोटर अपने उम्मीदवार की जीत के लिए पुरउम्मीद हैं। वोटर लाहौर कराची का सफर करके अपने फेवरेट उम्मीदवार को वोट कास्ट करने मंचनाबाद पहुंचे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अहमद यार खोखर से। जी अहमद यार खोखर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बार एसोसिएशन मंचनाबाद के सालाना इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर हर उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पूर्व उम्मीद है। वोटर लाहौर कराची का सफर करके अपने उम्मीदवार को वोट कास्ट करने मिंचनाबाद पहुंचे हैं। लाहौर से चौधरी मुश्ताक अहमद, चौधरी मोहम्मद अशरफ वोट कास्ट करने मिंचनाबाद पहुंचे हैं। मैं चौधरी मुश्ताक अहमद वोटर और मोहम्मद अशरफ दोनों लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ खादम हुसैन ग्रुप की सपोर्ट और हेल्प के लिए आए हैं और इनको वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे पूरी, और दुआ है कि अल्लाह की तआला इनको कामयाब व कामरान करे और पूरा ग्रुप पैनल जो है कामयाब हो। चौधरी मोहम्मद सलीम एडवोकेट कराची से अपने उम्मीदवारान को वोट कास्ट करने के लिए मिंचनाबाद पहुंच गए। उन्होंने कहा कि जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा नाम मियां मोहम्मद सलीम एडवोकेट फ्राम कराची से तशरीफ़ लाए हैं मिंचनाबाद बार के लिए वोट एंड सपोर्ट के लिए। मैं अपने उम्मीदवार और मेरे प्यारे भाई मियां राशिद साडू साहब सदर और अली गुजर साहब जनरल सेक्रेटरी और राय ग़ुलाम मुजतबा एडवोकेट जो के नायब सदर हैं, हमारे कैंडिडेट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके लिए वोट एंड सपोर्ट के लिए कराची से आए इनको सपोर्ट करने के लिए और वोट कास्ट करने के लिए। और उम्मीद है कि ये जो हमारे कैंडिडेट हैं कल इंशाल्लाह विनर होंगे और जीत के बाद ये वकला के लिए बहुत ही जदोजहद करेंगे और बार के लिए भी इंशाल्लाह एक अच्छे कैंडिडेट साबित होंगे। पंजाब बार में कल पोलिंग डे है, बार मिंचनाबाद में भी इलेक्शन की गहमा गहमी है। हर उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पुरउम्मीद है और उसके सपोर्टर और वोटर भी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए हर जतन कर रहे हैं। आइए देखते हैं कल पोलिंग डे है, ये सदारत और बाकी जो उम्मीदवारान है सेहरा किसके साथ सजदा है। कैमरामैन टीम के साथ अहमद यार खोकर, TN न्यूज़ मंचन आबाद।